हेलो भाई लोग, तो आज की इस वीडियो में ओप्पो A31 ये देखिए जो मॉडल मैं लेके आया हूँ, इस मॉडल का देखिए डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो क्रैक होने गिरने की वजह से, मोबाइल फ़ोन गिरने की वजह से डिस्प्ले स्क्रीन ख़राब हो गया। तो इसमें डिस्प्ले स्क्रीन कैसे रिप्लेस करना है वो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ओप्पो A31 है, ठीक। तो इसका डिस्प्ले स्क्रीन हम लोग चेंज करने का मेथड देखने वाले हैं कि किस तरह से इस मोबाइल का डिस्प्ले स्क्रीन चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन निकालने की बात है, तो जिस तरीके से मैं हमेशा निकालता हूँ इस प्लास्टिक पेपर का यूज करके ही मैं मोस्ट ऑफ निकालता हूँ, तो उसी तरह से आराम से हम लोग निकालेंगे क्योंकि फ्रेम को जो है वो डैमेज नहीं करना है। तो हम लोग कोई भी मतलब किसी भी तरह का जोर ज़बरदस्ती करके नहीं निकालना है, फ्रेम जो है मिडल फ्रेम जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस डैमेज होता है तो अपने को उसको भी डालना पड़ जाएगा, तो इसके लिए सावधानी से आराम से, और प्लस ब्रोकन डिस्प्ले स्क्रीन को निकालने के लिए हाथ वाथ तो संभालना ही पड़ता है, समझे। तो देखिए अभी डिस्प्ले स्क्रीन हम लोगों ने निकाल दिया है, तो अभी इसका जो गम लगा हुआ है, जो ग्लू लगा हुआ है, उसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसमें नया डिस्प्ले स्क्रीन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, साफ़ सफाई हो गया, डिस्प्ले फ्रेम वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया। तो अभी ये देखिए मार्केट का हम लोगों ने डिस्प्ले स्क्रीन लाया है, निर्मैक्स कंपनी का है, काफ़ी बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले स्क्रीन है। तो इस डिस्प्ले को किस तरह से चेंज करना है वो हम लोग देखते हैं, इस डिस्प्ले को कैसे मोबाइल में फिट करना है, मोबाइल में इंस्टॉल करना है वो, तो अभी हम लोगों को इसको चेक करना है। और देखिए जो मेरा वे है, मैं हमेशा सारी चीज़ें फ़िट करने के बाद सबसे लास्ट में डिस्प्ले को ग्लू लगा के फ़िट करता हूँ, तो ठीक उसी तरह से मैं इस मोबाइल में भी करूँगा। तो अभी हमने लोग डिस्प्ले कनेक्ट कर लिया है, अब बैटरी की बारी है, बैटरी कनेक्ट हो गया है, अब मोबाइल हम लोग एक बार चालू करके डिस्प्ले स्क्रीन को चला कर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मोबाइल चालू हो गया है, अब पैनल्स लगा के, स्क्रूज लगा के जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें फिट कर देनी है। फिट करने के बाद उसके बाद हम लोग डिस्प्ले स्क्रीन को प्रॉपर चेक करके, ग्लोइंग करके, रबड़ मार के
डन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लू भी लगा लिया है और फिटिंग भी हो गया है परफेक्टली, एकदम बैठ गया है डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लू हल्का फुल्का बाहर जो बाहर साइड आ रहा है उसको अपने को एक बार क्लीन कर देना है। उसको नॉर्मल आईपी से कपड़े में लगा के आईपी को मोबाइल पे ऐसे साफ़ कर लेंगे वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद उसको रबड़ लगा के क्लीन कर देना है, फिनिश कर लेना। अब अगर आईपी बाहर नहीं आ रहा है तो आपको आपको कोई टेंशन की बात नहीं, क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर भाई ग्लू जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकल गया है तो उसको क्लीन करना ही पड़ेगा, अगर नहीं निकल रहा है तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तब देखिए मैंने हल्का सा दो रबड़ लगाया और रबड़ लगाने के बाद डिस्प्ले में मोबाइल को जितना ग्लू चाहिए रहता था चिपकने के लिए, जितनी जगह थी उसने उतना लिया, उसने बाकी का बाहर निकाल दिया। तो अब जो बाहर निकला है उसको अपने को क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, क्लीन हो गया साइड साइड से, मतलब चारों तरफ से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद रबड़ मार के फिनिश काम। ठीक है, तो एक बार यूज करके भी देख लेंगे इसको, हम लोग चला के देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। और क्या बताया था कस्टमर ने, लॉक 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 डन। ठीक है, तो देखिए लॉक भी खुल गया है और डिस्प्ले स्क्रीन देखिए परफेक्टली इसमें एकदम स्मूथ चल भी रहा है। डायल पैड पे नंबर भी डायल करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखो एकदम परफेक्टली, एकदम आसानी से, एकदम प्यार से, स्मूथली, एकदम डिस्प्ले स्क्रीन जो है एकदम स्मूथ प्रॉपर परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, चाहो तो एक बार और देख सकते हो आप, ब्राइटनेस देख लीजिए, डायल पैड वापस से चेक करा देते हैं, डायल पैड चेक कर लीजिए। ठीक, नंबर्स भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो ये हो गया। तो ठीक है, हमारा डिस्प्ले स्क्रीन चेक हो गया है। अब हम लोगों को खाली लास्ट ऑप्शन, लास्ट स्टेप जो है रबर बैंड लगाना है। रबर बैंड लगा के हमारा काम ख़त्म। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मेरे साथ बने रहो। और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे, कुछ भी होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपको कुछ नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।